Okay, I never thought I'll be making a video like this, but my channel recently got hacked. I still can't believe it. So in the past 3 days, I definitely went through hell and back, but thankfully, by God's grace, my channel got back within 3 days, which is a big thing. So I'm going to talk about everything, how it happened. अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है देन आई विल आस्क यू टू डायरेक्टली स्किप टू दिस टाइम स्टैम्प, क्योंकि यहाँ पे ना यू विल गेट हाउ टू लाइक रीच यूट्यूब एंड क्या क्या करोगे चैनल हैक हो गया है. 3 दिन बाद भी मुझे ऐसा लगेगी शिट इज दिस अ ड्रीम, डिड इट रियली हैपन विद मी. तो ऑन 9th of March दिन के 3 बजे अराउंड आई वॉज एक्चुअली एडिटिंग ऑन माई फोन ओनली. तो मैं एक शॉर्ट्स एडिट कर रही थी, रिमेंबर द 21 डेज सीरीज आई स्टार्टेड. डे 3 के बाद ही चैनल हैक हो गया, बट यस आई वॉज एक्चुअली एडिटिंग उस दिन का 21 डे सीरीज का वीडियो. बट आई थिंक 3:30 पे आई स्टिल रिमेंबर एवरी डिटेल. तो 3:03 में आई गेट द सिक्योरिटी अलर्ट मेरी रिकवरी मेल पे, जो मेरे यूट्यूब का जो मेरा अकाउंट था उसका जो रिकवरी मेल था उस पर सिक्योरिटी अलर्ट आया कि योर रिकवरी मेल इज चेंज. तो उसमें आता ना कि येस दिस वॉज मी, नो दिस वॉज मी. तो आई डेड लाइक नो दिस वॉज मी चेंज पासवर्ड. जितनी देर में आई जस्ट स्टार्टेड टाइपिंग माई पासवर्ड आई गॉट लाइक 5 और 6 अलर्ट एक साथ कि ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया. एंड विद इन सेकेंड्स लाइक मैंने बस पासवर्ड टाइप करना कंप्लीट किया था एंड आई वॉज साइंड आउट ऑफ माई अकाउंट. और उसमें लिखा आ गया कि योर पासवर्ड वॉज चेंज 1 आवर अगो. एंड आई वॉज लाइक वट जस्ट हैपेंड. उसके बाद लाइक आई हैड हर्ड अबाउट हैकिंग और ऐसे केसेस मैंने सुने थे, तो मुझे लग रहा था कि शायद मेरा अकाउंट हैक हो गया. आई इमीडिएटली कॉल टू ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, वी सैट डाउन एंड हमने हर जगह देखा कि कहीं से मैं लॉग इन कर सकती हूँ. मेरी रिकवरी मेल चेंज हो गई थी, मेरा रिकवरी नंबर चेंज हो गया था एंड आई डिड हैव 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन. बट डिस्पाइट दैट दीज हैकर्स कैन ईजिली हैक इन टू योर अकाउंट, विच इज द वर्स्ट पार्ट. लाइक आई हैड 2FA ऑन मेरी रिकवरी मेल. मेरे पास बैकअप कोड्स पड़े हुए थे, मैंने वो बैकअप कोड्स एंटर किए बट दे हैड चेंज द बैकअप कोड्स एज वेल. सब चेंज कर दिया था, देर वॉज नो वे आई कुड एंटर इन टू माई अकाउंट. एंड देन आई रियलाइज शिट वट टू डू नाउ. 2 मिनट के लिए तो मुझे लगा कि लाइक समथिंग जस्ट स्टॉप्ड इन साइड मी एंड आई गॉट सो स्कैर्ड कि अब मैं क्या करूंगी. बट आई वॉज इन कॉल माई फ्रेंड्स एंड वी स्टार्टेड लाइक जस्ट सिंक अप क्या क्या कर सकते हैं. आई हैड हर्ड कि अगर यूट्यूब को रीच आउट करना है द बेस्ट वे इज वाय ट्विटर. तो मैंने उसी टाइम पे फटाफट से ट्वीट कर दिया. देन आई ट्राई टू फाइंड अ फ्यू कॉन्टेक्ट. नाउ आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे कोई इस इंडस्ट्री से नहीं है एंड नो वन नोज एनीथिंग अबाउट दिस इंडस्ट्री. एंड आई डोंट हैव एनी लाइक पीपल अराउंड मी जो कि इस इंडस्ट्री के हैं. बट आई डिड स्टिल ट्राई टू फाइंड अ फ्यू कॉन्टेक्ट वाया लाइक पीपल हु आई वर्क विद. तो मैं थोड़ा बहुत ट्राई किया. दैट वॉज लाइक वन होप. सेकेंडली ट्विटर वाला ही था कि ट्विटर से रिप्लाई आ जाए जल्दी जल्दी. बेसिकली 3 बजे आई जस्ट गॉट दिस ह्यूज लाइक धक्का आई वुड से. उसके बाद आई वॉज पैनिकिंग फॉर अ वाइल्ड बट देन आई डिसाइडेड कि रिक्शा काम डाउन, वी नीड टू नाउट डू थिंग्स. अब हमें देखने के हम क्या कर सकते हैं अपनी ओर से. तो आई स्टार्टेड सीइंग वीडियोज लाइक माई पेरेंट्स, माई फ्रेंड्स, एवरीवन स्टार्टेड सीइंग वीडियोज कि अब क्या क्या किया जा सकता है. आई हैव टू से आई एम सो 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 ग्रेटफुल फॉर एवरी वन अराउंड मी. लाइक पीपल आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दे वर सेंडिंग मी वीडियोज एंड स्टफ कि ऐसा कुछ कर ले, ऐसा कुछ किया जा सकता है. तो अगर मेरा कोई भी दोस्त ये वीडियो देख रहा है, मेरे पेरेंट्स आर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो 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 मच. यू हैव नो आइडिया आप लोगों ने मुझे कितना सपोर्ट किया है एंड योर सपोर्ट एक्चुअली डिड मीन अ लॉट टू मी. और मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिली उससे. एंड ऑल्सो आई एम सो ग्रेटफुल टू यू गाइज बिकॉज आप लोग ने ना आई थिंक मैं भी आपको बताऊंगी चैनल में कुछ चेंजेस हुए थे. तो एक्चुअली वन ऑफ यू ओनली इन्फॉर्म्ड मी कि ये चेंज हो गया है तुरंत से. तो ट्विटर में ना यूजली यूट्यूब रिप्लाइज क्विकली, बट मुझे स्टार्ट के 4 घंटे आई थिंक रिप्लाई नहीं आया, जहां पे मैं सबसे ज्यादा पैनिक कर गई थी कि अच्छा रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा. बिकॉज एक बार यूट्यूब से बात हो जाती ना तो मे भी कुछ स्टार्ट हो जाता. नाउ व्हाइल दिस वाज हैपनिंग रिप्लाई नहीं आया था. मेरे चैनल में अ फ्यू चेंजेस स्टार्टेड हैपनिंग. पहले के 1 घंटे में तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बट उसके बाद द डीपी द चैनल नेम इट ऑल गॉट चेंज टू टेस्ला न्यूज. ये ना एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है यूट्यूब में, वेर दिस टाइप ऑफ हैकिंग एक्चुअली हैपन्स अलॉट. मैं जितनी भी हैकिंग रिलेटेड वीडियो देखी सबसे ज्यादा इस टाइप की ही हैकिंग देखी थी कि टेस्ला न्यूज या कोई क्रिप्टो के रिलेटेड, कोई क्रिप्टो स्कैम के रिलेटेड चैनल का नाम चेंज हो जाएगा. एंड देन दे प्राइवेटेड ऑल माई वीडियोज. आई वॉज होपिंग दे प्राइवेटेड इट और डिलीट नहीं किया था, बट मेरी सारी वीडियोज हट गई थी. एंड दे शेड्यूल्ड अ लाइव फॉर 5 PM. ऑल ऑफ दिस वॉज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ माई आईज.
मेरी आंखों के सामने मेरे चैनल में इतने चेंजेस होते हैं, आई कुडंट डू दैट, डू एनीथिंग अबाउट इट. दैट वाज लाइक द मोस्ट हेल्पलेस फीलिंग एवर की मतलब वो मेरा अकाउंट है बट समवन एल्स इज डूइंग ऑल ऑफ दिस ऑन इट और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी. आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट फीलिंग्स की लाइक वट कैन आई डू. प्लस यूट्यूब का रिप्लाई भी नहीं आया था उस टाइम पर, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आई वॉज डेफिनेटली थिंकिंग कि यार काश मेरे ज़्यादा फॉलोअर्स, लाइक इफ आई वॉज अ बिगर क्रिएटर मे बी दे वुड हैव रिप्लाइड फास्ट. सो बिकॉज दैट लाइव स्ट्रीम डिड नॉट गो अकॉर्डिंग टू यूट्यूब पॉलिसीज, सो दे टुक डाउन द वीडियो एंड द चैनल, तो चैनल ही डिलीट हो गया. एंड देर आई वॉज लाइक अब मैं क्या करूँगी, मतलब अब तो चैनल ही डिलीट, अभी तक एटलीस्ट मुझे चैनल दिख रहा था सामने, बट अब तो चैनल ही डिलीट हो गया. And I started panicking again. I had a long crying session. I just called my friend and I started crying. Because finally it hit me that everything is gone. Everything that I worked for in the past 4 years, जिसमें मैंने इतनी मेहनत करी है, it's all gone. I was so scared उस टाइम पर कि मैं क्या करूँगी. एंड आई एम टेलिंग यू द इमोशंस, द नंबर ऑफ मूड स्विंग्स एंड इमोशंस दैट आई हैव गॉन थ्रू इन द पास्ट 3 days. आई थिंक मैंने पूरी लाइफ में इतने इमोशंस के थ्रू नहीं गई हूँ. आई वॉज पैनिकिंग, देन आई वॉज काम, देन आई वॉज वर्किंग ऑन समथिंग, फिर कुछ नहीं आता था, आई वॉज पैनिकिंग अगैन. आई वॉज थिंकिंग कि अगर सब खत्म हो गया तो मैं क्या करूँगी, बिकॉज दिस इज माई लाइवलीहुड, दिस इज वेर आई अर्न फ्रॉम, मेरा सब कुछ तो यही है, यहीं से तो मैं पैसे कमा रही हूँ. फिर वट विल हैपन टू मी, आई गिव 4 years टू दिस, आई डिड नॉट गो फॉर माई जॉब आफ्टर आई वॉज प्लेस्ड, आई लेफ्ट एवरीथिंग टू स्टार्ट यूट्यूब. डबल प्रेशर आ गया था मेरे ऊपर. फिर आई गॉट थोड़ी देर में आई वॉज लाइक टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स, आई वॉज रीडिंग योर मैसेज, देन आई गॉट मोटिवेटेड, कोई बात नहीं, लाइक दे कैन टेक अवे माई चैनल, दे कैन नॉट टेक अवे माई स्किल्स, आई विल मेक अ न्यू चैनल, आई विल ग्रो दैट. बट ऑब्वियसली इट्स ईजियर सेड देन डन, ऐसा मैं बोल सकती हूँ, बट मुझे पता है कि 4 साल और आई थिंक 500 वीडियोज लेटर आई एम एबल टू रीच दिस पॉइंट. आई कॉन्ट इवन टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर आई विल स्टार्ट क्राइंग एंड आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट राइट नाउ. सो या, बहुत रो ली हूँ मैं पिछले 3 दिन में. एक्चुअली आई डोंट वॉन्ट टू क्राई एनी मोर, दिस इज अ न्यू स्टार्ट फॉर अस डेफिनेटली, सो वील टेक इट दैट वे. नाउ अगर आपका चैनल हैक हुआ है एंड यू आर हियर टू सी कि कैसे उसको रिकवर करें, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट, डोंट वरी, आराम से आपका चैनल आपको वापस मिल जाएगा. यूट्यूब सपोर्ट एक्चुअली इज वेरी हेल्पफुल, बहुत ईजिली दे एक्सप्लेन मी एवरीथिंग एंड आई वॉज एबल टू गेट बैक माई चैनल इन लेस देन 3 days. आई नो आप भी बहुत सारी वीडियोज देख रहे हो, उनमें बहुत लंबा लंबा टाइम पीरियड दिया होता है कि 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना लग जाता है, बट आई वॉज एबल टू डू इट इन लेस देन 3 days एंड आप भी आराम से कर लोगे. द फर्स्ट थिंग इज हाउ डिड इट गेट हैक. तो मेरे केस में मेरा जीमेल अकाउंट जो मेरे यूट्यूब चैनल से था वो हैक हुआ था एंड देन ऑब्वियसली माई यूट्यूब गॉट हैक्ड. जीमेल में माई पासवर्ड वॉज चेंज, माई रिकवरी मेल वॉज चेंज, माई रिकवरी नंबर वॉज चेंज, माई बैकअप कोड्स वॉज चेंज, सब कुछ चेंज हो गया था. तो मैं अपने रिकवरी मेल के थ्रू भी लॉग इन नहीं कर पाई. अगर आपके साथ भी यही हुआ है एंड आपने भी 2FA इनेबल किया था, मेरे केस में भी इनेबल था, बट दीज गाइज हैव सॉफ्टवेयर या फिर इनका जो भी तरीका होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि इट कैन ईजिली बाईपास 2FA, तो दैट सक्स एक्चुअली, बट अब क्या ही कर सकते हैं. तो कोई बात नहीं, आपका चैनल हैक हो गया, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज गो टू ट्विटर एंड अगर अकाउंट है तो लॉग इन करो, नहीं है तो फटाफट नया अकाउंट बना लो. यही फर्स्ट स्टेप है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम ट्राइंग टू मेक कॉन्टैक्ट्स यहाँ वहाँ. सबसे पहले ट्वीट कर लो, उसके बाद आप ये सब चीज़ें करते हैं ना. तो टीम ट्विटर का जो हैंडल है, आई विल पुट इट समवेयर इन द स्क्रीन, जस्ट ट्वीट आउट टू देम कि योर चैनल इज हैक्ड, आपको जो भी इसमें इन्फॉर्मेशन डालनी है. एंड मेक श्योर यू कीप योर चैनल URL, क्योंकि मैंने नोटिस किया था कि उसमें चैनल URL डाल के ना इट वॉज अ लिटिल ईजियर, तो मैंने अपना चैनल URL डाल दिया था. अगर आप अभी यूट्यूबर हो, अपना चैनल URL कहीं पर पक्का से स्टोर करके रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड चैनल हैक होने के बाद आप URL ऑब्वियसली नहीं ढूंढ पाओगे. मुझे पता है कहाँ से मिला था, मेरा मेरे ट्विटर के बायो पे चैनल URL बहुत साल पहले डाला था, मैंने वहीं से कॉपी किया था. एक्चुअली पहले मैंने जो फर्स्ट ट्वीट करी थी चैनल हैक होते ही, उसमें मुझे 2-3 घंटे रिप्लाई नहीं आया. देन आई ट्वीटेड अगेन एंड उस पर रिप्लाई मुझे 10 मिनट बाद आ गया था. दे सेंट मी अ DM, DM पे फिर हमारा पूरा कॉन्वर्सेशन हुआ था. उसके बाद द सेकेंड स्टेप इज टू फिल अ फॉर्म. एक फॉर्म होता है जो वो आपको भेजते हैं एंड वो आपको एक्सेस देते हैं. मेरे केस में पहले उन्होंने मेरी जो हैक्ड ID है ना उसको एक्सेस दे दिया था उस फॉर्म का, तो मैं उसको खोल नहीं पा रही थी. फिर आई टोल्ड देम कि मैंने उनको एक दूसरी ID दी कि आप इस ID को ये एक्सेस दो, क्योंकि ना मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्यों नहीं खोल पा रही हूँ, तो अगर आप भी नहीं खोल पा रहे हो. एंड इसका आंसर मुझे कहीं भी नहीं मिला था. दिस इज द केस में भी कि उन्होंने एक्सेस किसी और ID को दे दिया है, तो यू कैन आस्क देम कि वो आपकी किसी दूसरी ID को एक्सेस दे दें. देन आई फिल द फॉर्म. फॉर्म आने मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था, लाइक इट टुक अ फ्यू आवर्स, बट फाइनली जब मेरा फॉर्म आराम से खुल गया उसके बाद मैंने उसको फिल किया. फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक योर नेम, ID, कौन सी ID हैक हुई है,
काफी इन डिटेल आपको देना पड़ता है, लाइक दे आस्क यू कि आपने लास्ट कौन सी वीडियो अपलोड करी थी, तो मेक श्योर जितना आप डिस्क्रिप्टिव हो सकते हो ना उतना रहो। मैंने तो जितनी चीजें मैं लिख सकती थी मैंने उतनी चीजें उसमें लिख दी थी। दे इवन आस्क कि आपके चैनल में कोई कोई चेंजेस हुए थे, तो मेरा चैनल जब हैक हुआ था तो वो एक टेस्ला न्यूज करके एक पेज में कन्वर्ट हो गया था जिसमें कोई इलॉन मस्क की लाइव वीडियो को वो लोग प्ले कर रहे थे। देन आई सबमिटेड द फॉर्म। हाँ, एक और चीज, उसमें आपको अपनी एडसेंस आईडी लिखनी पड़ती है। मेरे केस में आई डिड नॉट रिमेम्बर इट, क्योंकि मेरा जो एडसेंस का अकाउंट है वो सेम यूट्यूब वाला ही था, तो वो हैक हो गया था और एडसेंस आईडी उसी में थी। सो आई हैड सम अदर अकाउंट नंबर, मैंने वो डाला था। तो मेक श्योर अपनी अगर एडसेंस आईडी आपके पास है तो उसको कहीं पे अच्छे से नोट कर लो। बट आफ्टर सेंडिंग द फॉर्म आई थिंक लाइक 7-8 hours लेटर दे सेंट मी अ न्यू मेल। अब पूरा कॉन्वर्सेशन मेल पे शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि आप एक आईडी डालते हो ना जिसपे वो आपको कॉन्टैक्ट कर पाए अपनी कोई ऑल्टरनेट आईडी, तो उस पर पूरा कॉन्वर्सेशन शिफ्ट हो जाता है। सो दे सेंट मी अ मेल सेइंग दैट यस योर चैनल इज कॉम्प्रोमाइज्ड, वी कैन सी दैट नाउ। उन्होंने कुछ रिकवरी मेथड्स बोले थे। द फर्स्ट वन वॉज कि पहले मेरा जो जीमेल है, जो जीमेल हैक हुआ है उसको रिकवर करने का ट्राई करते हैं। उसके लिए उन्होंने मुझे एक रिकवरी दो मेथड्स दिए थे, एक बेसिक रिकवरी और एक एडवांस रिकवरी। तो जो बेसिक रिकवरी है वो करने पर ही थैंकफुली मेरे को मेरा जीमेल वापस मिल गया था। अगर उससे नहीं होता तो एडवांस रिकवरी होती जिसमें कुछ और क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, बट आई गॉट इट थ्रू दैट बेसिक रिकवरी मेथड ओनली। आफ्टर गेटिंग माई जीमेल बैक आई सॉ दैट माई यूट्यूब चैनल इज टर्मिनेटेड। उसमें एक मेल आया हुआ था कि आपने जो वीडियो अपलोड करी है इट गोज अगेंस्ट आर गाइडलाइन, जो वो लाइव वीडियो हैकर ने अपलोड करी थी, सो दैट गोज अगेंस्ट यूट्यूब गाइडलाइंस। उन्होंने वो वीडियो टेक डाउन कर दी थी और मेरा चैनल डिलीट कर दिया, टर्मिनेट कर दिया था। तो वो जो मेल थी ना उसमें मैंने उनको लिख दिया था कि आई गॉट माई चैनल बैक बट माई चैनल इज टर्मिनेटेड, प्लीज हेल्प मी गेट इट बैक। नाउ दे हैड आस्क्ड 3 questions उस मेल के एंड में, तो मैंने वो सारे इन्फॉर्मेशन फिल करके भेज दी थी। नाउ आई थॉट कि ये प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई थिंक फ्यू आवर्स लेटर, लेकिन मुझे 9-10 बजे आया था, सुबह के 2-3 बजे आई गॉट अनदर मेल की थैंक यू सो मच फॉर योर रिप्लाई, वी आर लुकिंग इन टू इट, आर यूट्यूब अकाउंट रिकवरी टीम इज लुकिंग इन टू इट। ये लोग ना रात को काफी ज्यादा रिप्लाई करते हैं बिकॉज ऑब्वियसली दे वर्क इन द US, तो उस टाइम के हिसाब से रात को। उसके 1-2 घंटे बाद आई गॉट अनदर मेल, लाइक आई सॉ दिस आफ्टर वेकिंग अप, बट आई गॉट दिस मेल दैट योर यूट्यूब अकाउंट इज रिकवर्ड, दिस इज द गोल्डन मेल, द मेल दैट यू वॉन्ट। तो मुझे काफी जल्दी आ गया था एक्चुअली। आई थिंक दे हैव रियली स्ट्रीमलाइन दैट प्रोसेस, या फिर उनको काफी डिस्क्रिप्टिव था, दे कुड फाइंड की चैनल कॉम्प्रोमाइज हो गई तो वो जल्दी रिकवर कर पाए। बट लाइक व्हेन आई वोक अप आई सॉ द मैसेज कि माय योर चैनल इज रिकवर्ड, उन्होंने मुझे एक्सेस वापस दे दिया मेरे चैनल का, सो यू कैन लॉग इन एंड मेक अ फ्यू चेंजेस। आई वॉज इलेटेड, मतलब मैं ऐसे नींद से उठी हूँ, मैंने बस वो खोला है मैसेज एंड आई वॉज लाइक I started screaming, literally I started screaming. So when I logged in, I saw that everything is gone, it's all blank. मेरा जो DP और जो banner वगैरह उन्होंने change किया था Tesla News और उस सब में, वो सब वैसा था। So I spent the entire day doing this, but I got my channel back and don't worry, even you will. I'm telling you, YouTube support is very helpful and वो आपकी काफ़ी queries भी solve करते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे से help भी कर देते हैं। तो अगर आपका चैनल हैक हुआ है यू कैन गो एंड डू ऑल दी स्टेप्स फटाफट से एंड यू विल गेट योर चैनल बैक। सो नाउ आई एम बैक, वी आर बैक, आवर चैनल इज बैक एंड थैंकफुली काफी जल्दी वापस आ गया। मैं तो उसी के लिए सबसे ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैंने जितने टाइमिंग दे रहे थे 1 हफ्ता तो मैं मिनिमम मान के चली थी कि शायद मेरे को नहीं मिलेगा, बट 3 दिन में वापस आ गया। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अभी भी कुछ ग्लिचेस चल रहे हैं, मैंने यूट्यूब को रिप्लाई कर मेल कर दिया है। दे हैव टोल्ड मी कि 48 hours तक वेट करो, क्योंकि रिकवरी में मतलब थोड़ा टाइम लगता है कम्प्लीटली, तो 48 hours तक हम थोड़े चेंजेस करते रहते हैं। आई कैन नॉट सी योर कॉमेंट्स इन सम वीडियोज, किसी भी वीडियो में मेरे जो कॉमेंट आपके कॉमेंट्स में मैंने जो रिप्लाई करे वो मुझे किसी वीडियो में नहीं दिख रहे हैं, काफ़ थोड़े से क्लिचेज और हो रहे हैं, तो अभी आई एम जस्ट वेटिंग कि वो हो जाए। तो मैंने ये वीडियो ना पहले मैं कल रात अपलोड करने वाली थी, बट वो सारे चेंजेस हुए थे, सो आई थॉट कि वेट कर लेते हैं, अभी भी नहीं हुए हैं, बट आई कुड नॉट वेट एनी मोर, तो मैंने सोचा कि अब तो मैं बना के वीडियो डाल ही रही हूँ। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अपलोडिंग अगेन सून, आज शाम से होपफुली मैं कोई शॉर्ट्स वगैरह डाल दूंगी। आई ऑलवेज न्यू दैट ऑब्वियसली सोशल मीडिया इज वेरी फिकल, बट वेन योर चैनल इन फ्रंट ऑफ यू, योर अकाउंट और योर चैनल जस्ट गोज अवे, इट जस्ट डिसअपियर्स, आई थिंक इट ब्रिंग्स थिंग्स मोर इन टू पर्सपेक्टिव। एंड मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि मैं क्या करूँगी अब अगर ये नहीं आया वापस से, वट विल आई डू, हाउ विल आई गो अबाउट इट। आई एम स्टिल थिंकिंग कि मे बी आई शुड मेक 1 more channel, क्योंकि एक यू नो एक बैकअप चैनल टाइप होना चाहिए। आई वॉज नॉट एबल टू रीच आउट टू यू गाइज, मतलब इंस्टाग्राम पर थोड़े बहुत लोग थे तो उन्होंने देख लिया था मेरा स्टेटस वगैरह,
बट सिंस मोस्ट ऑफ यू आर नॉट ऑन इंस्टाग्राम तो मुझे ऐसा था कि हाउ विल आई रीच आउट टू यू एंड टेल यू कि डोंट वरी गाइस द चैनल इज हैक्ड इट्स नॉट मी हु इज डूइंग ऑल ऑफ दिस बट आई थिंक मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी अंडरस्टूड बट या आई वॉज थिंकिंग मे बी आई शुड मेक अ न्यू चैनल फॉर लाइक व्लॉगिंग एंड स्टफ एंड फैशन कॉन्टेंट अलग कर दूँ और ब्लॉगिंग कॉन्टेंट अलग कर दूँ बट देन आई एम थिंकिंग कि मुझे ये चैनल ग्रो करने में इतना टाइम लगा एंड आई एम नॉट इवन एबल टू हिट 50 के अभी तक तो फिर नए चैनल में क्या ही कुछ होगा सो आई एम रियली कन्फ्यूज आई वॉन्ट योर हेल्प हेयर आप लोग मुझे कॉमेंट्स में बताओ वट शुड आई डू लाइक शुड आई मेक अ न्यू चैनल फॉर ब्लॉगिंग एंड लाइफ स्टाइल कॉन्टेंट और मैं फैशन को अलग कर दूँ बिकॉज वैसे भी मेरे ब्लॉग्स वगैरह में नॉट अ लॉट ऑफ यू वॉच इट तो मे बी उसकी ऑडियंस डिफरेंट है तो मे बी आई शुड लाइक मेक इट सेपरेट और शुड आई कीप ऑन गोइंग विद दिस वन चैनल एंड नॉट मेक एनी अदर चैनल प्लीज मुझे कॉमेंट्स पर जरूर बताना हेल्प मी आउट इन दिस सिचुएशन इफ यू हैव एनी एक्सपर्ट ओपिनियन इट्स ओपन यू कैन डीएम मी हम डीएम में भी डिस्कस कर सकते हैं इफ यू वॉन्ट बट हाँ जस्ट लेट मी नो सेकेंडली डू टेल मी वट काइंड ऑफ कॉन्टेंट डू यू वॉन्ट टू सी हियर आई वॉन्ट टू मेक कॉन्टेंट दैट यू गाइज लाइक तो वो जरूर देखना ऑल्सो सम ऑफ यू हैव अनफॉलोड मी ऑब्वियसली बिकॉज ये पूरे फियास्को के टाइम पे यू वुड हैव सीन कि क्या हो गया ये वो तो कुछ लोगों ने अनफॉलो कर दिया था तो प्लीज फॉलो मी बैक आई एम बैक हियर अगैन शेयर माई वीडियोज विद योर फ्रेंड्स एंड अगर कभी आपके किसी फ्रेंड या आपके साथ गॉड फॉरबिड ऐसा कुछ होता है आई होप दिस वीडियो हेल्प यू एंड माई डीएम्स आर ओपन फॉर यू अभी भी आपके साथ ऐसा हो यू कैन डीएम मी यू कैन कॉमेंट हियर आप मुझे ट्वीट कर दो कुछ भी कर दो एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू बिकॉज आई नो कि इस टाइम पे कितनी लाइक यू हाउ मच हेल्प यू नीड एंड ऐसा होता है कि कोई इस इंडस्ट्री से हो who has gone through something similar और मेरी help कर दे तो मेरे easy हो जाएगा so yeah I think that's it for this video मैंने I think आपको सब कुछ बता दिया है यही चल रहा है पिछले कुछ दिनों से but I'm so grateful once again to get this baby back this channel is literally my baby and I got it back I am so thankful to YouTube support मुझे बहुत ज़्यादा helpful लगा it was very like it made everything really easy for me although I do think they should come up with something जिससे creators उनको आराम से reach कर पाए ये process और short हो पाए like वो waiting game कि वो पढ़ेंगे tweet नहीं पढ़ेंगे वो सारा काफ़ी difficult हो जाता है तो if they can come up with something जिससे ये process थोड़ा easier हो जाए like contacting them थोड़ा easier हो जाए then वो तो बहुत ही amazing है I'm so grateful to my parents my friends and you guys are the best and I'm so grateful for myself as well because I know I kept myself pretty strong throughout this I had my weak moments but I tried to you know like just focus teach the focus कि ये करना है वो करना है मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान दिया so I'll be back soon with another video अगर आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ करो यार मैंने तो ये भी सुना है कि इसके बाद रीच कम हो जाती है एंड आई एम रियली स्कैर्ड फॉर दैट क्योंकि मेरी रीच ऑलरेडी पिछले कुछ महीनों में बहुत डाउन हो गई है अगर और कम हो गई तो पता नहीं मैं क्या करूँगी सो आई होप ऐसा ना हो प्लीज़ अगले कुछ वीडियोस को अगर आप उस टाइम कॉन्टेंट नहीं भी देखते हो प्लीज़ तो भी देख लेना लाइक कर लेना कॉमेंट कर देना ताकि थोड़ी रीच मेरी बढ़े एंड ये चीज़ इफेक्ट ना करे हमारे चैनल को दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम बाय बाय